हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और दिया भी अच्छी है। तो आज मैं बना रही हूँ सुबह के नाश्ते में आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने जो है कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, देन उसके बाद जीरा, फिर अपना कद्दूकस किया हुआ आलू। मैं भरवा शिमला मिर्च बना रही हूँ, तो उसके लिए पिट्ठे तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो बस वही पिट्ठे तैयार करूँगी। आलू डालने के बाद थोड़ा सा ऑयल और जीरे के साथ मिक्स कर दिया है, और देन इसके बाद इसमें डालूँगी सेंधा नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, बिल्कुल ज़रा सी हल्दी डालनी है, और साथ में लास्ट में अमचूर पाउडर। तो सेंधा नमक मेरे घर में इस्तेमाल होता है नॉर्मल नमक की जगह, तो बस वहाँ पर हूँ, बैकग्राउंड से आप समझ ही गए होंगे मम्मी के घर पर हूँ। तो बस सेंधा नमक मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये सब मसाले डालने के बाद। और ये वाली जो पिट्ठी है ना, मुझको बहुत पसंद है। मैं इसको बिना रोटी के, बिना पराठे के ऐसे रुखी भी खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसको अगर आप अच्छे से बिल्कुल कुरकुरा कर लेते हैं ना, तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे तो मैं ये शिमला मिर्च के लिए जो है फिलिंग तैयार कर रही हूँ, पर कुछ थोड़ी ज़्यादा होती है ना तो बच जाती है, तो मैं भी खा लेती हूँ। मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ, मुझे पसंद है इसलिए। तो हमारी पिट्ठी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और देन उसके बाद जो है हम शिमला मिर्च के अंदर भरेंगे इसको। उससे पहले जो है मैं शिमला मिर्च को कट करके रख लेती हूँ अच्छे से। शिमला मिर्च को भरने के लिए आप लोगों को पता ही है शिमला मिर्च इस तरीके से कट की जाती है, तो बस मैं भी वो ही कर रही हूँ। शिमला मिर्च को बिल्कुल खाली कर लेना है, और इसके जो ऊपर के मैंने ये काटे हैं ना ढक्कन टाइप जो है, इसको संभाल के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको फेंक सकते हैं क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, तो आप लोगों को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अलग तरीके से बना रही हूँ। तो ये देखो मैंने ना शिमला मिर्च भर ली है, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा करके भरी है मैंने, बिल्कुल मतलब दबा दबा के ना बिल्कुल टाइट तरीके से भरी है। और इसको अब मैं इस तरीके से कट कर लूँगी, चाकू दूसरा लेना पड़ेगा मुझको तेज वाला। तो ये देखो इससे बहुत ईजली जो है कट हो गई थी। ये देखो इस तरीके से मैं इसके 3-4 स्लाइसेस कर लूँगी एक शिमला मिर्च के, और 2 शिमला मिर्च इनफ है मेरे लिए। और मैंने अपनी मम्मी के घर में बनाई थी, तो मैं आपको बता दूँ, मैंने भी खाई, मेरी बहन ने भी खाई, भाई ने भी खाई, पापा ने भी खाई, मम्मी ने भी खाई, तो सबको एक एक दो दो स्लाइसेस में काम चल गया। किसी ने एक ले ली, किसी ने 2 ले ली, और इनफ थी। और वैसे अगर हम 2 शिमला मिर्च बनाते हैं तो वो सिर्फ 2 जनों पे जाएगी, लेकिन इस तरीके से आप बनाओगे तो ज़्यादा लोगों के पास जाएगी। तो इस तरीके से मैं इसके 4 पीस कर लूँगी, और लास्ट में क्या करूँगी, थोड़ी बहुत पिट्ठी बच रही है अभी भी, तो हमें क्या करना है, इस पे ऊपर से और पिट्ठी लगा लेनी है ताकि ये और टाइट हो जाए। और जैसे हम अभी इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये नहीं निकलेगी क्योंकि ये काफ़ी टाइट हो जाएगा। अभी शिमला मिर्च गलेगी भी तो और ढीली हो जाएगी, शिमला मिर्च ढीली हो जाएगी ना, तो ये थोड़ा सा अंदर का मिश्रण भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो वो फिर नहीं निकलेगा। अगर इस तरीके से ऊपर से आप लगा के इसमें आलू और इसको टाइट कर देंगे, तो ये देखो हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। इसमें मैंने हल्का फुल्का सा ऑयल डाला था, फ्राई करनी है भाई तो थोड़ा सा ऑयल तो डालना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में डाल दूँगी अपनी शिमला मिर्च। ये देखो इस तरीके से मैं चारों डाल दूँगी एक बार में, मैं 4 स्लाइस ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, फिर पलटने में भी दिक्कत होती है, आपको पता ही है यार, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा क्या, मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट एक तरफ से पलटने में लगा, 2 मिनट दूसरी तरफ से। और ये लिड लगाने से क्या था, शिमला मिर्च अच्छे से गल भी गई थी बढ़िया तरीके से। तो ये देखो काफ़ी देर हो गई है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ, गर्म है लिड, और ऊपर का जो क्या होता है पॉइंट होता है ना, वो टूट गया, तो दिक्कत होती है पलटने में ढक्कन को। तो ये देखो हमारी शिमला मिर्च एक तरफ से बहुत अच्छे से कुरकुरी सी हो चुकी है, और शिमला मिर्च का कलर भी जो है धीरे धीरे जो है लाइट होने जा रहा है, मतलब वो गल रही है ना तो कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ग्रीन से थोड़ा सा डल हो जाएगा कलर। तो ये पलटती है, इसको मैं फिर से ढककर पकाऊंगी अच्छे से। और ये देखो अब ये है दोनों तरफ से सिक चुकी है बढ़िया तरीके से, और गल भी गई है, ये देखो।
और चिपक तो बिल्कुल भी नहीं रही है। नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाओ वैसे तो, और नॉर्मल में भी बना सकते हो आप, नॉर्मल में भी नहीं लगती है ऑयल अगर आप अच्छे से डालो तो। ये देखो ये वाला ज़्यादा कुरकुरा था और मुझे ज़्यादा कुरकुरा बहुत पसंद आता है। तो ये मेरी शिमला मिर्च जो है रेडी है, इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखो, और दूसरी भी जो है मैंने तैयार करके रख रखी है, मतलब काट ली थी, भर तो आपके साथ ही ली थी और काट ली थी, और उसको भी मैं जो है अब डाल दूँगी इसके अंदर। तो ये देखो हमारी शिमला मिर्च कितनी प्यारी प्यारी सी लग रही है ना, यमी सी लग रही है ना, बहुत यमी बनी थी, फिलिंग भी जो थी ऑसम थी। तो आप लोग भी खा लीजिए अगर आपको पसंद है। मैंने दूसरी भी डाल दी है और दूसरी भी उसी तरीके से बिल्कुल ढककर पकाने वाली हूँ मैं। अभी जो है दोपहर का टाइम हो रखा है और मैं बेडशीट को ठीक कर रही हूँ। घर में दो छोटे छोटे शैतान बच्चे हैं ना, तो बेडशीट का कुछ इस तरीके से हाल थोड़ी थोड़ी देर में हो ही जाता है। तो बच्चों को खाना था खाना, और खाना खाने से पहले मैंने कहा चलो थोड़ा सा बिस्तर सही सा कर देते हैं, अच्छा लगेगा बच्चों को भी बैठकर खाने में। और गर्मी आज बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रखी है, कूलर भी फेल हो रखा है आज गर्मी के आगे। दोनों को खाना खाने के लिए बिठा दिया है, और मेरी बहन ने ना आज दोनों के लिए खाने में बनाए हैं सिंपल से अरहर की दाल चावल, और ये वाली प्लेट्स में इन दोनों को खाना मिलता है। और दिया का रिएक्शन देखना, कितनी खुश हो गई थी वो दाल चावल को देख के, और बोल रही थी मैं तो सारा ख़त्म कर दूँगी। हेलो एवरीवन, तो आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो दोनों खाना खा रही थी, मैं कहाँ से आ गई अचानक। तो आ गई मैं अचानक बात करने के लिए आप लोगों से, क्योंकि जब ये दोनों खाना खा रही थी ना उस क्लिप के बाद मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं करी थी, और मन ही नहीं करा था। बहुत कुछ करा मैंने, नान खटाई बनाई अपनी बहन के साथ मिलके, और भी बहुत सारी चीज़ें, रात का खाना भी वहीं पे खाया था, किचन में भी मतलब खड़े रहे हम, बात करते रहे, बहुत सारी बातें, पापा के संग बैठे, सब कुछ किया, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई, कर नहीं पाई मतलब मैंने करा ही नहीं। तो कभी कभी होता है ना फैमिली टाइम, वो मैंने कल किया, और मैंने कहा चलो व्लॉगिंग का एंड करना बहुत ज़रूरी है। तो तीन चार क्वेश्चन हैं आप लोगों के, उसके मैं आंसर कर दूँ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि दीदी अंकल बहुत वीक हो गए हैं, उनको दिल्ली ले आओ, अच्छा इलाज हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर भी मेरठ में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, लेकिन उनकी क्रिटिकल सिचुएशन है, और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और जो चीज़ हमारे हाथ में है फ़िलहाल तो उसको हम अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। और दिल्ली लेकर आना बहुत मुश्किल है, और सच बताऊँ तो डॉक्टरों पे भरोसा नहीं रहा है, इस सिचुएशन को देख के बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। और जहाँ पर मेरे पापा का इलाज चल रहा है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन वो ये है ना, अंदर से जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से ठीक हो सकती है, और ठीक हो भी सकती है नहीं हो सकती, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो पापा का इलाज जहाँ पर चल रहा है ना, बहुत अच्छी जगह पर चल रहा है। और जब मेरे पापा की तबीयत लास्ट ख़राब हुई थी, जब हमने उनको दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, तो आपको पता है इतनी मुश्किल से हमने एडमिट कराया था, कोई भी हॉस्पिटल नहीं ले रहा था, कोई भी जगह डॉक्टर बैठ ही नहीं रहे हैं, डॉक्टर ही नहीं बैठ रहे हैं कहीं भी, हॉस्पिटल जाओ वो उसके अंदर एंट्री ही नहीं करने दे रहे। लोग कह रहे हैं ना कि डॉक्टर अवेलेबल है, डॉक्टर भगवान है, तो वो डॉक्टर बैठ ही नहीं रहे हैं, डॉक्टर भगवान जो है ना वो मिल ही नहीं रहे हमको इलाज के लिए। और मैं आपको बता देती हूँ कि हम दिल्ली या किसी और जगह पापा को इस टाइम नहीं लेके जाने चाहते, पता है क्यों? इंसान जब बीमार होता है ना तो बहुत कमज़ोरी आ जाती है उसके अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे पास सारी रिपोर्ट्स हैं पापा की, सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन फेसबुक व्हाट्सअप बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, वहाँ के नज़ारे देखने को जो मिल रहे हैं ना, कि एडमिट कर लेते हैं और उसके बाद जो है COVID-19 का टेस्ट करवाते हैं, जिसकी रिपोर्ट लेट आती है, 4-5-6-7 दिन बाद आती है, तब तक वो जो प्रॉब्लम होती है उसका इलाज तो देते ही नहीं है। तो क्या होता है ना, रिपोर्ट आने से पहले ही मरीज दुनिया से भी चला जाता है, और ये बहुत हुआ है, मेरे घर के ठीक सामने भी हुआ है।
तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि COVID-19 का टेस्ट अगर हम बता भी रहे हैं ना, हम सारी रिपोर्ट्स भी दे देंगे कि ये इलाज करना है। जैसे पहले हम एडमिट कराते थे, हम कहते थे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, तो उसका ट्रीटमेंट उसी टाइम शुरू हो जाता था। बट आप क्या करेंगे, एडमिट कर लेंगे, इलाज वो नहीं करेंगे, वो टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर देंगे। उस उतने टाइम तक, चाहे 5-6 दिन तक मरीज तड़प तड़प के दम ही क्यों ना तोड़ दें, डॉक्टर जो है अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो बस यही सब कर रहे हैं। और बहुत लोगों की जान सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से चली जा रही है। तो भाई हम तो रिस्क नहीं उठा सकते, और करते क्या है, एडमिट भी कर लेते हैं, रिपोर्ट आने का इंतज़ार करते हैं, उस बीच में ना किसी भी घर वालों से मिलने नहीं देते हैं उस इंसान को। और ये तो आप लोगों को भी पता है, बुखार भी ज़रा सा आ जाता है, इंसान कितना लो हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको COVID-19 हो गया, उसकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है तो उसको COVID-19 है, तो ऐसा कर रहे हैं। तो भाई हम तो अपने पापा को आधा दिन क्या, 1 घंटा क्या, आधा घंटा क्या, 15-20 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत हालत ख़राब है हॉस्पिटल्स की, ऐसा ऐसा हो रहा है वहाँ पे, और बहुत ही गंभीर सिचुएशन है ये। न्यूज़पेपर देख लो, रोज़ रोज़ सुन लो ये सब चीज़ें, अफवाह फैला देंगे, ये है वो है ऐसा हो गया, और रिपोर्ट जब आती है ना तो सब कुछ नॉर्मल होता है। मेरे घर के सामने जो हुआ था उनको भी यही फैला दिया, और उनके पूरे परिवार को भी क्वारंटाइन कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ब्रेन हैमरेज हुई है। ब्रेन हैमरेज से इसलिए हो गई क्योंकि उनको 4-5 दिन तक इलाज नहीं मिला, रिपोर्ट आने का इंतजार करे हैं, उससे पहले वो गुजर गए, और रिपोर्ट जो है उनके गुजरने के 4-5 दिन बाद आई है। तो इसलिए हम भाई अपने पापा को कहीं भी इस टाइम नहीं लेके जा रहे हैं। डॉक्टर जो है फोन पे ही बहुत अच्छा कंसल्ट कर रहा है, जरूरत पड़ती है तो वो विजिट भी करवा लेते हैं हम। और सेकंड क्वेश्चन है कि मेरी बहन जो है वो अपने हस्बैंड के संग नहीं रहती क्या, वो मम्मी के पास ही रहती है क्या, या उसके हस्बैंड जो है शहर से बाहर रहते हैं, देश से बाहर रहते हैं, या जो भी है। देखो मैं इस चीज़ में बुरा नहीं मानूंगी, मैं तो सिंपल सा क्वेश्चन का आपके आंसर दूंगी, बुरा मानने की बात ही नहीं है यार। कुछ लोग जो होते हैं ना वो गलत ही सोचते हैं, वो चाहे तो ये भी सोच सकते हैं कि शायद मेरी बहन मेरे पापा की देखभाल के लिए आई होगी, मेरी मम्मी का हाथ बटाने आई होगी, या फिर सुख में सुख यारी दुख में साथी बनने आई होगी। लेकिन वो सोचेंगे उल्टा ही दिमाग का कि उसके हस्बैंड उसके साथ क्यों नहीं रहते हैं, वो मायके में क्यों रह रही है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं उनको सिंपल से बताऊंगी, मेरी बहन 17 मार्च को आई थी पापा को देखने के लिए। उसके बाद उसकी सासू माँ ने बोला कि बेटा अभी तुम अपने पापा का ध्यान रखो, सोना के एग्जाम हो चुके हैं, पापा का ध्यान रखो, थोड़ा अपने पापा के संग टाइम बिताओ, बड़ी बेटी है वो घर की, और थोड़ा सा रहो, क्योंकि उस टाइम हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर लग रहे थे। और वो बहुत चीज़ बहुत मतलब सिचुएशन बहुत आसानी से हैंडल कर लेती है क्योंकि वो बड़ी है। तो उसको छोड़ दिया मेरी उसकी सास ने, और उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद लॉकडाउन चल ही रहा है। आप लोगों को पता है नोएडा में रहती है वो, और वहाँ पे भी रेड जोन हो गया था, यहाँ पे भी मेरे मेरठ में भी रेड जोन है, तो आना जाना तो हो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो इतना तो कोई भी आदमी समझ सकता है कि लॉकडाउन चल रहा है, उसके पापा बीमार है इसलिए वो मायके में रह रही है, इतना तो कॉमन सेंस सबके अंदर होगा ही ना। या फिर लॉकडाउन में जरूरत पड़ने पे वो बेच दिया दिमाग। तो होप आप लोगों को पता चल गया होगा मेरी बहन मायके में क्यों रह रही है। और तीसरा क्वेश्चन, मेरे से किसी ने ये बोला था कि आपके सास ससुर आपके साथ नहीं रहते, आप इतनी भोली बनती हो, आप हमेशा अपने पति की तारीफ करती हो, और इतनी भोली हो, इतनी अच्छी हो, इतनी बढ़िया हो आप, और आपके सास ससुर पसंद नहीं करते, कुछ तो गोलमाल होगा, कुछ तो झोलमाल होगा, तो इसलिए तो आपके सास ससुर आपको पसंद नहीं करते, मतलब कुछ भी। आपको पता है मेरे सास ससुर इस दुनिया में है या नहीं है मुझे पसंद करने के लिए, कुछ भी अंदाजे लगा लो यार, कुछ भी लगा लो, मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं है। और ससुर की मैं आपको बात करूँ, ससुर की तो मैंने एक फोटो है बहुत धुंधली सी है वो ही देखी है, जैसे दिया के पापा चले गए ना वैसे ही मेरे ससुर जी जो है इस दुनिया से चले गए थे अर्ली एज में। और मेरे हस्बैंड को भी कुछ खास याद नहीं है अपने पापा के बारे में, था कुछ खास याद नहीं था अपने पापा के बारे में। उनकी मम्मी ने, जैसे मैं रह रही हूँ ना अकेले, वैसे ही तीनों बच्चों की देखभाल की है। फ़र्क ये था कि मेरे जो ससुर जी हैं उनकी सरकारी नौकरी थी वो मेरी सास को मिल गई थी, और मेरी जो सास है वो मेरी शादी के 1.5 साल बाद एक्सपायर हो गई थी,
और वो बहुत अच्छी थी, मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छी थी, तो मेरे साथ अच्छी थी, मुझे अच्छे से रखती थी, मुझे प्यार करती थी, इसलिए मेरे को लगता है कि वो बहुत अच्छी थी, पसंद करती थी मुझको, इसलिए वो बहुत अच्छी थी, या जो भी कह लीजिए। तो मेरे सास ससुर है नहीं जो मुझे पसंद करे, जो मुझे अपने साथ रख ले, इसलिए थोड़ा सा यार थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो, बुरा लग जाता है। और एक ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप कितने भाई बहन हो, तो मैं देखो मेरी बड़ी बहन है, फिर मैं हूँ, और मेरा छोटा भाई है, वो मेरे से छोटा है, मेरा भाई बड़ा नहीं है, वो बड़ा बनता है और बड़ा लगता है, छोटा है और छोटा ही है मेरे से, वो बड़ों वाले काम करता है, बड़े वाली जिम्मेदारी निभाता है, तो सबको बड़ा लगता है, और कह सकते हो वो बड़ा ही है, कह सकते हो। और मेरे पापा की गवर्नमेंट सर्विस थी, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं वो हमारा ही है, और वो खाली नहीं होते हैं, सरकारी हैं वो खाली नहीं होते हैं, तो वो हमारा ही है, हम रह रहे हैं उसके अंदर, रिटायर हो चुके हैं, हम रह रहे हैं बिना किसी परेशानी के। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आता था, सरकारी क्वार्टर है, सरकारी क्वार्टर है, सरकारी क्वार्टर है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और गर्मी बहुत हो रही है, पंखा बंद कर रखा है मैंने, पंखा, अरे कहाँ गया पंखा, पंखा बंद कर रखा है मैंने। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ, होप आप सब लोगों के सारे तो नहीं, थोड़े से 4 क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, बहुत सारे मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, अगर आप लोगों के दिमाग में है कोई क्वेश्चन तो मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। और बहुत सारी वीडियोज़ के लिंक जो है मैं आज कॉमेंट सेक्शन में आपको देने वाली हूँ, आप देखना मेरी पुरानी वीडियोस को, थोड़ा सा आपको मेरे जो मैं कैसी हूँ, क्या बोलती हूँ, क्या करती हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान कर ला, ध्यान करना, जबान बहुत फिसल रही है मेरी 3-4 दिन से, सच में झूठ नहीं बोलूँगी, जबान फिसल रही है मेरी। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बता देना, और जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को विजिट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, बार बार एक ही बात।